है कि एक दिलवाला और उसके भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं लव गुरु हूँ, तो एक टिपिकल दिलवाले के भीतर Now I'm visibly embarrassed. पूछो क्या पूछ रहे हो तुम खान साहब, एक एक दिलवाले के भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? होना चाहिए कि लड़कियां उसको देख कर कहे लव गुरु. यार अब मैं फिल्म के हिसाब से ही बोल सकता हूँ ऐसे, वरना मैं अपने बारे में ऐसा बातें करूँगा तो अजीब लगेगा अपने आप को, मैं कुछ लव गुरु समझने लग गया हूँ. हमारे फिल्म के हिसाब से या कहानी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर जो इंसान एक दूसरे को माफ़ कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है अगर गलती हो जाए. रिश्तों में बहुत गलतियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, दरार आ जाती है. और ये हम टेलीविज़न पर अभी बहुत सारे शोज़ करके आए हूँ, जितने भी डेली सोप्स होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है ना रिश्तों में, तो देख के मैं हैरान ही रह गया यार. एक तो क्या प्रॉब्लम थी, एक लड़की पैसा नहीं खर्च करने देती, दूसरा हस्बैंड पैसा ज़्यादा खर्च करता, बड़े बड़े अजीब अजीब चीज़ें देख कर आया हूँ मैं. तो उन सबको भी अगर इकट्ठा कर लो, एकत्रित कर लो, तो आई थिंक जिस इंसान में माफ़ करने की क्षमता है, आई थिंक वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है. बाकी तो ठीक है, प्यार करना, गाना गाना, मोहब्बत करना, गिविंग नेचर, लविंग नेचर, लाइकिंग नेचर, वार्म्थ एंड गुडनेस, वो सब में होती है कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए. लेकिन आई थिंक जो इंसान रिश्ते नातों में एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ सकता है, आई थिंक उससे बड़ी, क्योंकि ना अगर हम खलल तकलीफ दिमाग में रखें तो नेगेटिविटी बहुत हो जाती है कि मेरे को सपोज़ एक्स हैं, काजोल हैं सपोज़, इनसे मेरा कुछ परेशानी है साल पहले, वो ज़िंदगी भर रहती है तो ऐसा सब नेगेटिव होता है. फिर हर बात खुद को तकलीफ होती है, मोर देन द अदर पर्सन. आई थिंक बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आई थिंक टू बी एबल टू फॉरगिव, मूव ऑन एंड एक्सेप्ट एवरीबॉडी विद देयर लिटिल फ्रेलिटीज एंड वीकनेसेस, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट दिलवाला. कि जज नहीं करते हम एक दूसरे को यार, कि ये ऐसा नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, मेरे को जज मत करो. मुझे लोग कहते हैं सच नहीं बोलता, वो ठीक है, अगर नहीं बोलता तो नहीं बोलता, प्यार करो फिर. Where are the other youngsters missing today? And वो दुबई पहुंच चुके. हमने एक्चुअली जैसे हमने बताया, हमने थोड़ा सा वो बेचारों ने, मैं एक बार बोलना चाहूँगा, हालांकि ये कोई बात, ये पर्सनल बात है, बट बहुत जगह पर वो हमारी मार्केटिंग और जो पीआर एक्टिविटीज़ हैं वो संभाल रहे हैं. लॉट ऑफ प्लेसेस इफ काजोल मी गेट्स स्टक, रोहित जो अभी तक एडिट के अंदर हैं, सेंसर हो रही है फिल्म, सो दोज इशूज़ आर गोइंग. तो वो बेचारे जो हैं जैसे नहीं होते घर में, जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे काम करवाते हैं सब, तो हम उन दोनों को भेज देते हैं कि जल्दी से जाओ ये कर लो. तो बेचारों को आज शाम को हमको दुबई जाना था, बट दिन में वो सुबह जाके कुछ काम कर रहे हैं हमारा, होल्डिंग द फोर्ट सो टू से, दे ऑलरेडी इन दुबई, आई थिंक दे वर्किंग देयर राइट नाउ. वी मिस देम ऑल द टाइम, बट आई थिंक टुमारो एक दिन हम साथ में होंगे तो मजा आएगा. शाह सर, Has Abraham or other kids seen the movie yet? Or the rushes, this one? Abraham and Suhana, I've seen it. Hum Hyderabad mein aaye the, wo thode din ke liye. To rushes, bahut jo rough cut rushes hote hain. So humne kuch 1 ghanta 30 minute ki film, sare unit, Rohit ka ek system hota hai, takriban end mein aate, pure unit 200 logon ko bulakar film dikhate hain. To Abraham aur Suhana wahan par, yeah, so they also saw. So what was their reaction towards it? Are they excited? सी थोड़ा बायस होगा, मेरा अपना खून है. तो सुहाना वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोरी एंड द लव स्टोरी. जब शुरुआत में देख रही थी उनको ठीक लग रहा था, और एकदम सडनली एक मोमेंट आता है फिल्म में, सो शी वॉज लिटिल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द स्टोरी लाइन. और अब्राम का मुझे पता नहीं क्या समझ आता है, वो तो कुछ ऐसा जब The music he's more interested in the cars basically. He's not interested in you so no, much. No, no, true. Not like that. No, aisa nahi. Usko gaadi tabhi achhi lagti hai agar main chala raha hu. Otherwise, but he's jab mujhe dekhta tha to papa bolta tha. Ek jagah pe jab ek scene aaya jisse mujhe chot lagi, uske baad Kajol ka close up aata hai dusre scene mein. So he started looking at her with little this thing ki as if papa toot gaya, papa toot gaya. But he seemed to enjoy it. I was a little surprised ki 1.5 ghanta baitha, takleef nahi di, taali wali baja raha tha, aur kai jagah pe na kuch hua to sab chup ho jate the, uski awaaz aati thi. बट पिक्चर यूए है तो आई डोंट थिंक यू कैन सी. अब तो दे सकता है, यूए देख सकता है. अच्छा, पेरेंट्स के साथ, हाँ, तो मेरी गोद में बैठ के देखिए, हम लीगल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करना. वैसा
Hi, Shahrukh. This is obviously a celebration of your films, you know, in or with.